बिहार में जातिगत जनगणना कितना जरूरी है और जातिगत जनगणना बिहार में होने से बिहार के विकास में कितना तेजी आएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं मुजफ्फरपुर के लोगों से और जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के लोग बिहार में जातिगत जनगणना के और बिहार में जातिगत जनगणना के बाद होने वाले विकास में तेजी पर क्या बोलते हैं। सर, जाति जनगणना से ये होगा कि हम अपना कितने संख्या में यहाँ है, हमको सरकार के द्वारा क्या लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और हमारा स्वजातीय कम है तो हम सरकार से मांग करें कि हमको लाभ दिया जाए। विकास का तो पता नहीं, पर पिछड़ी जातियों के लिए नुकसानदायक है। अभी तक पिछड़ी जातियाँ एक साथ गोलबंद होकर किसी एक पार्टी को सत्ता में लाती थी। जनगणना होने के बाद इनके अलग 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 नेताओं पैदा लेंगे, जिससे पिछड़ी जातियों का और नुकसान ही होगा। जाति जनगणना से यही फायदा है कि हर जाति का कितना जनसंख्या है, अति पिछड़ा कितना है और कितना है, उसे आरक्षण देने में कितना किसको परसेंट चाहिए, वे लड़ाई में फायदा करेगा। यही फायदा होगा जाति जनगणना से। और ये बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी ऐलान किए हैं कि हमको जाति जनगणना कराना है, अच्छी बात। जातिगत जनगणना होने से इसका लाभ क्या होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जातिगत जनगणना होने से वैमनस्य आपस में और सामाजिक सरसता थोड़ा दूर होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। जरूरी है, मेरे नज़रिया में ये जरूरी इसलिए है कि एक सरकार को एक कंप्लीट सांख्यिकी डाटा मिलता है और इस डाटा के हिसाब से जो आरक्षण का प्रावधान है और जो आरक्षण का जो मतलब मेन रोड मैप है उसमें इसमें फायदा मिलेगा, लेकिन मूलभूत विकास में, फंडामेंटल आपको डेवलपमेंट में, इससे हमको इसमें फायदा ऐसा कुछ लाभ हमको नज़र नहीं आने वाला। जाति जनगणना होने से ये पता चल जाए कौन जाति गरीबी रेखा में है और कौन जाति माने पैसे वाले हैं, तो उस तरह से सरकार आरक्षण उनको देगी, जो गरीबी रेखा से नीचे जो जाति आएंगे उनको लाभ मिलेगा इसका। विकास में तो कुछ तेजी आना चाहिए, अगर बिहार सरकार इसको सही ढंग से लागू करे तो जाति जनगणना तो यहाँ तो होना ही चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना से होने वाले विकास में तेजी पर मुजफ्फरपुर के लोगों से हमने चर्चा की। कई एक लोगों ने इसे आवश्यक बताते हुए बिहार के विकास में तेजी की बात कही, वहीं कई लोगों ने इसे गलत बताया है कि जातिगत जनगणना से कुछ खास विकास नहीं हो पाएगा, अन्य तरह लोग बट जाएंगे आपस में और जात पात बढ़ जाएगी, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोगों की अलग अलग राय है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।